हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी का हमारे ईटी अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारा ना जो बिहार का स्पेशल हिस्ट्री है वो चल रहा है, ठीक है, उसकी सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट सीरीज में हमने देख लिया था कहाँ तक, तो मौर्यों को देख लिया था, मतलब कि मौर्य के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहदत्त थे। बट इसको हम एक अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, जस्ट इसको टाइमलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए थोड़ा हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और एक आपका कंपाइल वे में रिवीजन करने के लिए इस सीरीज को लाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो देखिएगा, अब हमारे पास जो डेट है वो कौन सी डेट है, 185 ईसा पूर्व। ये क्यों इतिहास में इतना महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इस वर्ष शुंग वंश की स्थापना हुई थी। जो मौर्य के लास्ट शासक थे बृहदत्त, उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने बृहदत्त की हत्या करके मगध पे एक नए राजवंश का नींव डालते हैं, जिसको किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और ये जो पुष्यमित्र थे वो किस धर्म के थे, तो वो ब्राह्मण धर्म के थे। क्योंकि आप देखो, अशोक के बाद आपको देखिएगा कि बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है मगध में, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जो है ब्राह्मण धर्म का वापस से पुनरुत्थान होता है, किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। जो पुष्यमित्र शुंग है उसने सेनानी की उपाधि धारण की थी, और इसने यवन के जो आक्रमण था उसको विफल भी किया था। यवन समझ रहे हो ना, जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी का आक्रमण हुआ था ना, उसमें जो यवन आए थे उसका जो है सफलतापूर्वक उसको विफल किया था। किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, और अश्वमेघ किसी राजा के द्वारा यज्ञ करवाने का अर्थ होता है कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो एक कह सकते हैं ना औदा जो है वो दिखता है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। और इनके जो पुरोहित थे पतंजलि, कौन थे, तो पतंजलि थे। मतलब पतंजलि किसके दरबार में थे, तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। इनके उत्तराधिकारी का नाम था अग्निमित्र, मतलब इनके पुत्र कौन थे, अग्निमित्र। और ना पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के अभियान के लिए किसको भेजा था, तो भेजा था अग्निमित्र को। अग्निमित्र विदर्भ जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से वो विदर्भ को जीतता है और उसको मगध में मिला लेता है। बट विदर्भ के अभियान के दौरान ही क्या होता है ना कि उसको मालविका नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है, ठीक है। तो ना कालिदास जो है उन्होंने अपनी नाटक मालविकाग्निमित्रम, ये किस पे लिखा है, तो अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कथा है उस पे कालिदास के द्वारा ये नाटक लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास के द्वारा जो नाटक लिखी गई है मालविकाग्निमित्रम, उसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा है, उसमें चर्चा किसके बारे में है, तो शुंग वंश के उत्तराधिकारी अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का। अंतिम शासक कौन होते हैं शुंग वंश के, तो देवभूति होते हैं। तो हमें इतना ही शुंग वंश से जानना है, बाकी मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा दी हूँ मैं। अब है 78 AD। ये क्यों इतिहास में इतना महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि कनिष्क का ना इसी दिन राज्यारोहण हुआ था, और कनिष्क ने अपने राज्यारोहण को मेमोरेबल बनाने के लिए उसके अवसर पर क्या किया था, तो शक संवत प्रारंभ किया था। क्या किया था उसने, तो शक संवत प्रारंभ किया था। तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, तो 78 AD में। और भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंत में कौन आए थे, तो सबसे अंत में आए थे कुषाण। तो इसका क्रोनोलॉजी याद रखना, कैसे कैसे आए थे विदेशी आक्रमणकारी, तो पहले हिंद आते हैं, हिंद यवन आते हैं, फिर आते हैं आपके शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण आते हैं। ये क्रोनोलॉजी पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो। अगर हम कुषाण वंश के संस्थापक को देखें, हमने ये तो देख लिया कनिष्क का 78 AD में राज्याभिषेक हुआ और उसने उस अवसर पे शक संवत चलाया, बट ये भी तो प्रश्न बन सकते हैं ना कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और इसके जो प्रमुख शासक हुए वो थे कनिष्क। एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कुजुल कडफिसेस के जो उत्तराधिकारी थे विम कडफिसेस, उनके द्वारा सोने का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। और कुषाण वंश के जो सबसे प्रमुख शासक हुए वो हुए कनिष्क, और इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, मतलब पेशावर और मथुरा को बनाया था। इन्होंने ना अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है, उसको ना पाटलिपुत्र से विजित करके लाए थे, ठीक है, मतलब पाटलिपुत्र से ना जीत के लाए थे, किसको, तो अश्वघोष को, जिसकी प्रमुख रचना क्या है, तो बुद्ध चरित है।
और कनिष्क की ही देन है, मतलब कनिष्क के टाइम पे ही गांधार और मथुरा कला जो है वो उसका विकास हुआ था। अब देखो यहाँ से ना एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी है वो किस शैली में बनी है, तो वो मथुरा शैली में बनी है, और जो बुद्ध की अधिकांश मूर्ति बनी है वो कौन सी शैली में बनी है, तो गांधार शैली में मिली है। तो ये कुशानों की देन है, गांधार शैली किसको, इंडिया को। और कनिष्क के टाइम पे ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, किसकी अध्यक्षता में, तो ये हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। इसमें मतभेद हो जाता है और जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान बोलते थे हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, महायान बोलते थे कि हम परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। जो ये आपके कनिष्क है ना, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये दोनों किस संप्रदाय के पोषक थे, तो महायान के थे। कनिष्क के टाइम पे सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था, तो कुशानों का अधिकार था। अब 320 AD, ये इतिहास में क्यों इतना इंपॉर्टेंट डेट है, तो गुप्त संवत आरंभ हुआ था, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं गुप्त वंश के, तो चंद्रगुप्त प्रथम। 68 में ना, 67 में री एग्जाम में पूछा गया था ना कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक तो श्री गुप्त है, बट वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है, क्योंकि क्रोनोलॉजी देखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, घटोत्कच, देन आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम गुप्त शासक थे कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और ये प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। अब देखो यहाँ पे पॉइंट, ये लाइन जो है वो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया, तो मिनांडर होगा, बट अगर गुप्त वंश के रेफरेंस से पूछे कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए थे, तो वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होता है, तो समुद्रगुप्त होता है, और स्मिथ जो है, वीए स्मिथ जो कि एक इतिहासकार है, उन्होंने समुद्रगुप्त का कंपैरिजन किससे किया है, तो नेपोलियन से किया है। वो बताते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो समुद्रगुप्त है, और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ और कविराज की उपाधि धारण की थी। इसके जो सिक्के मिले हैं ना, उस पे इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इतिहासकार इसे समझ पाते कि अच्छा इसका संगीत में भी रुचि रहा होगा, ठीक है, तो इस वजह से इनको जो है निम्न उपाधियां दी गई। हरिशेन, इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई, ठीक है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचयिता कौन है, तो हरिशेन है, और ये हरिशेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इससे क्या जानकारी मिलती है ना, ये प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरापद मतलब कि जो नॉर्दर्न वाला साइड था, आर्यावर्त भी जिसको बोलते हैं, उसके 9 राजाओं को इसने पराजित किया था, किसने, तो समुद्रगुप्त ने, और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकेंड, ये शकों को पराजित किए थे, ठीक है, शकों को पराजित करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क है आप लोगों का, कि अभी तक कितने शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। तो और इनकी उपाधि क्या है चंद्रगुप्त सेकंड की, तो देवगुप्त है, देवराज है, और देवश्री है। ये प्रथम गुप्त शासक थे जिसने रजत सिक्के चलवाए थे, रजत मीन सिल्वर के कॉइन्स चलवाए थे, किसने, तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकेंड ने। और चीनी यात्री फाइयान किसके टाइम पे भारत आता है, तो ये आता है चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे। इन्हें ना मेहरौली स्तंभ जो है, दिल्ली में देखते हो ना मेहरौली स्तंभ, उस पे ना इनको चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। तो वो प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे, कि बताइए कि मेहरौली लौह स्तंभ में जो चंद्र नाम से संबोधित किया गया है, ये किस राजा से संबंधित है, तो क्या होगा आपका आंसर, चंद्रगुप्त सेकेंड। अगर इनके दरबार के नवरत्न को देखोगे, क्योंकि हम ना इनके शासनकाल को देखते हुए, हमने इतिहासकार जो वी ए स्मिथ है, वो गुप्त काल के ना क्या बोलते कलात्मक ये सब को देखते हुए, वो सांस्कृतिक पक्ष को देखते हुए उन्होंने क्या कहा है गुप्त काल को, तो स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। ओवरऑल ये गोल्डन एज नहीं कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे सामाजिक स्थिति को, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय देखने को मिलता है आपको इसमें, तो इस बेसिस पे आप ओवरऑल जो है गोल्डन पीरियड नहीं कह सकते गुप्ता पीरियड को, बस आप सांस्कृतिक वाले क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ था इस टाइम पे।
तो कौन कौन से नवरत्न थे? तो कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। धनवंतरी, धनवंतरी जो है वो चिकित्सक थे, इनको भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है। किसको भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है? तो माना जाता है धनवंतरी को। अमर सिंह, वरामिहिर, शंकु, बैताल भट्ट, घटकरपर, छपनक और भरूचि, ये सब कौन थे? तो नवरत्न में शामिल थे। किसके नवरत्न थे ये? तो चंद्रगुप्त सेकेंड के। अब आते हैं कुमारगुप्त पे। अगर कुमारगुप्त के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ठीक है, किसने? तो कुमारगुप्त ने, जिसको क्या हुआ, तो जिसको ना बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। और इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये मिलती है ना कि सर्वाधिक अभिलेख जो है वो किस गुप्त शासक के प्राप्त होते हैं? तो वो कुमारगुप्त के ही प्राप्त होते हैं। कितने? तो 17। अब स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई थी वो हुआ था हूनों का आक्रमण, और इनसे बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया था किसने? तो स्कंदगुप्त ने। और इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है कि शक्रादित्य की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? तो स्कंदगुप्त के द्वारा धारण किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमें मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी जो है करवाया गया था किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। अंतिम शासक कौन हुए गुप्त वंश की? तो विष्णुगुप्त हुए। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्मिथ जो है उन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है। 635 AD, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इतिहास में? क्योंकि हेन्सवांग ने बिहार की यात्रा की है। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना डीप में क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ बिहार के रेफरेंस में पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इंडिया वाला देखना है तो वो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, ये जस्ट एक रिविज़न हो रहा है कि बिहार जो स्पेशल है वो आपका कम्प्लीट हो जाए। तो वेनसोंग जो है, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था, वो बिहार की यात्रा कब करता है? तो वो करता है 635 AD में। पुष्यभूति वंश का शासक था कौन? तो हर्षवर्धन, ठीक है। और हम देखेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। कौन थे? तो पुष्यभूति के द्वारा जो है पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ था? तो थानेश्वर था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, जिन्होंने किसकी रचना की है? तो हर्षचरित की और कादंबरी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादंबरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट है, जो किसके दरबारी कवि थे? तो जो दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन स्वयं भी बहुत प्रेमी था किसका? लिखने का, ठीक है। हालांकि कुछ इतिहासकार बोलते कि इसने पैसा वैसा दे के लिखवाया है, ठीक है, बट हमें दोनों पक्ष को देखते हुए पढ़ना है, ठीक है। तो हर्षवर्धन जो है उसने भी 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? तो प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। 673 ईस्वी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इति संघ जो है वो बिहार का यात्रा करता है। अब देखो 750 AD, ये इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है ना क्योंकि इस वर्ष पाल वंश की स्थापना हुई थी। आपको मेंस में भी पढ़ना है ना पाल वंश, तो पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 750 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो गोपाल के द्वारा। गोपाल जो है उन्होंने बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और ये जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल के द्वारा करवाया गया ना, इसको नष्ट करवा दिया गया किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब? तो 1198 में। बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। इसके बाद आते धर्मपाल, वो इस वंश का ना पाल वंश का प्रमुख शासक था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है कौन? तो धर्मपाल। कहाँ पे? तो भागलपुर में, अभी भी आपको देखने को मिलता है ना ये, लेकिन इसको भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वंस करवा दिया जाता है। यही मैं सोचती हूँ कि अगर ये बख्तियार खिलजी नालंदा को, विक्रमशिला कुछ भी, नालंदा को अगर ध्वंस नहीं करवाता तो आज हमारे पास कितने ज़्यादा सोर्सेस होते, शायद हम लोग बहुत आगे होते आज, क्योंकि कितने सारे रिसर्च पेपर वहाँ पे थे, कैसे कैसे बीमारी को ठीक करने का
वहाँ पे थेसिस रहा होगा, बट उसने एक झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। धर्मपाल जो था वो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकुल शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित करके कुछ समय के लिए कनौज पे अधिकार कर लेता है। तो आपसे पूछते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, तो राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे और पाल वंश के थे, ठीक है। बट इसमें अंतिम विजयी कौन होता है, तो अंतिम विजयी होता है राष्ट्रकूट। और किसके लिए लड़ रहे होते हैं ये, कन्नौज के लिए। धर्मपाल जो है उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की है। क्या धारण की है, तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो है वो धर्मपाल ने धारण की। अब आते हैं इस वंश के दूसरे शासक देवपाल। इनसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि किस शासक ने, मतलब किस पालकालीन शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर की थी, तो वो किया था देवपाल ने। और इसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। तो किसके द्वारा, जावा के जो शासक थे उनको नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव को दान देने की दान दिया गया था, तो वो थे देवपाल। पालकालीन कांसे की जो मूर्तियां है वो अपनी कलात्मक के लिए काफी प्रसिद्ध है। धीमन और विठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पालकालीन जो कला है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो धीमन और विठपाल। तो ये आपका जो एंशियंट हिस्ट्री का था, ठीक है, टाइमलाइन वो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, तो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।